बड़ा रोड शो दिखाकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो करने आए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में, और जोधपुर का जो शहर है उस शहर के मतदाताओं को आकर्षित करना चाहते हैं कि आखिरकार फिर एक बार गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरी बार विजयी बने। और ये देखें कि गजेंद्र सिंह शेखावत और योगी आदित्यनाथ जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, और गजेंद्र सिंह तमाम लोगों को सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप देखेंगे कि छतों पर भी जो बड़ी तादाद में लोग हैं वो मौजूद है, और पूरा ये जो बाजार है वो जनता से भरा हुआ है, क्योंकि सभी लोग गजेंद्र सिंह शेखावत को समर्थन देने और योगी आदित्यनाथ को देखने उनका दीदार करने आए हैं, क्योंकि देश में भगवा मॉडल और बुलडोजर मॉडल के पर्याय बन चुके योगी आदित्यनाथ का। राजस्थान में भी बड़ा क्रेज है, और ये दर्शाता है, ये आज दिखाता है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ को देखने जिस प्रकार से बड़ी तादाद में जो जनता आई है ये एक बार फिर से गजेंद्र सिंह को चुनने के लिए तैयार है। कुछ लोग इनसे बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ जोधपुर आए हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत क्या तय माने? हाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत जी कम से कम 2 लाख वोटों से विजय रहेंगे, और भारत में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और जो अहम मुद्दे हैं वो आप बताइए। जोधपुर का युवा क्या सोच रहा है, क्या एक बार फिर जोधपुर का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, झूठे प्रचार हारेगा और भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। जोधपुर का युवा हिंदू राष्ट्र के साथ में आगे आने वाला समय अखंड भारत दिवस का जो निर्माण करने वाले उसका है। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ आए हैं गजेंद्र सिंह के समर्थन में, रोड शो हो रहा है, पूरा जोधपुर भगवा में हो गया है, क्या दर्शाता है जोधपुर? इसमें ये दर्शाता है हिंदुत्व की जीत हो रही है, और एक तरफा इतना समर्थन देखने को मिला, इतनी भीड़ देख, योगी आदित्यनाथ जो हिंदू राष्ट्र को आगे लेके आएंगे आज कोई ताकत नहीं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो तो ये कहते हैं कि मैं भी राम का बेटा हूँ, वो राम के भक्त नहीं है, वो दिखाती है तमाम कार्यकर्ता है, और जोधपुर की जो जनता है उसमें उत्साह का संचार कर रहे हैं, और तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, और योगी योगी और मोदी मोदी के नारे खुद गजेंद्र सिंह शेखावत लगाकर तमाम कार्यकर्ताओं में एक मजबूती से संचार कर रहे हैं। और ये देखेंगे आप कि योगी आदित्यनाथ भी भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान हाथ में लिए हुए हैं, और निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में जो रोड शो कर रहे हैं निश्चित रूप से ये जोधपुर शहर की जो जनता है उसको रिझाने का प्रयास है, क्योंकि बड़ी तादाद में क्षेत्र में हिंदू मतदाता निवास करता है, और जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद से ही काफ़ी बड़ी तादाद में जो उत्साह है वो इस क्षेत्र की जनता में है, और उस उत्साह को कहीं ना कहीं भुनाया जाए और उसका लाभ गजेंद्र सिंह शेखावत को इस चुनाव में मिले, इसका प्रयास लगातार जारी है। और ये देखेंगे कि आज राजस्थान में योगी आदित्यनाथ अन्य जगहों पर भी रोड शो करके आए हैं, लेकिन जोधपुर की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें ये दर्शाती हैं कि आखिरकार जोधपुर जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत को समर्थन देने के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त है, और गजेंद्र सिंह तीसरी बार जीतने के लिए बिल्कुल आश्वस्त है, क्योंकि ये जो रोड शो आज जोधपुर में जिस प्रकार से हो रहा है वो निश्चित रूप से दर्शाता है कि आखिरकार 2 बार सांसद रहने के बावजूद भी गजेंद्र सिंह शेखावत का जो क्रेज है वो जोधपुर की जनता कम नहीं हुआ है, और एक बार फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत इस क्षेत्र से चुनाव जीतकर जाने वाले हैं, और इसीलिए ये जो जनता है जो जोधपुर के कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो निश्चित रूप से ये विश्वास दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत को कि इस बार बड़ी तादाद से जीत होने जा रही है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ भी आज बड़ी मजबूती से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और निश्चित ही इसका फायदा गजेंद्र सिंह शेखावत को इस चुनाव में नजर आता दिखता है। कुछ लोग हैं बातचीत करेंगे, आप बताइए गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार चुनावी मैदान में, योगी आदित्यनाथ का रोड शो कितना फायदा मिलेगा? फायदा ही फायदा है, 3 लाख से ऊपर की जीत तो डिक्लेयर हो चुकी है,
ऊपर की जीत डिक्लेयर हो चुकी है। गजन सिंह शेखावत क्या जीतने वाले? 100% यही सीट नहीं, योगी जी का रोड शो का दूसरी सीट पे भी प्रभाव डलेगा और 400 बार गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार 2 बार से सीट से जीत रहे हैं, तो सत्ता विरोधी लहर तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, आप ये माहौल देख लीजिए, चारों तरफ जीत सुनिश्चित है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थक साफ तौर पर ये दर्शा रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है और गजेंद्र सिंह निश्चित रूप से जीतने वाले हैं और राजस्थान की 25 की 25 सीटों पर क्लीन स्वीप होगा। 4 लाख ज्यादा से, 4 लाख से ज्यादा, नहीं ज्यादा नहीं, पूरे आप देख रहे हैं 4 लाख से ज्यादा। तो देखिए निश्चित रूप से तमाम जो लोग हैं मोदी और योगी के नारे लगाकर निश्चित रूप से ये कह रहे हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ के रोड शो के बाद जोधपुर की फिजाएं बदली हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत का जो जन समर्थन है वो जनता उनको दे रही है और इसीलिए एक बार फिर से जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत बड़े मार्जिन के साथ चुनाव में जीत दर्ज करने जा रहे हैं और निश्चित ही हैट्रिक न केवल राजस्थान की जोधपुर सीट में बल्कि 25 की 25 लोकसभा की सीटें जीती जाए ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये जो रोड शो कर रहे हैं वो न केवल जोधपुर सीट पर विजय के लिए कारगर साबित होगा बल्कि जोधपुर सीट के इस रोड शो से और इस जन समर्थन से मारवाड़ की सीटों पर भी फोकस जाएगा क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर से प्रत्याशी जरूर है लेकिन उनका जो क्रेज है वो पूरे मारवाड़ और राजस्थान में है और गजेंद्र सिंह चाहते हैं कि सिर्फ वो ही नहीं जीते बल्कि पूरे क्षेत्र में उनका भी जो प्रभाव है उसका फायदा पार्टी को मिले इसीलिए लगातार वो पार्टी के विभिन्न क्षेत्रों पर अपनी जो मदद हो सकती है वो कर भी रहे हैं। और जहां तक बात जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की है जोधपुर की सीट पर बड़े मार्जिन से जीत दर्ज हो इसलिए आज योगी आदित्यनाथ का ये जो रोड शो है शहर की सीट पर बड़े बाजार में भीड़ भड़के के बीच ये दर्शाता है कि आखिरकार गजेंद्र सिंह शेखावत के विरोधी भले ही किसी प्रकार का प्रचार करें भले ही गजेंद्र सिंह के खिलाफ एक परसेप्शन खड़ा करने का प्रयास हो लेकिन गजेंद्र सिंह का जो क्रेज है वो कम नहीं हुआ है और निश्चित रूप से वो जीत दर्ज करेंगे और इसका कारण ये है कि इस रथ में आपको जसवंत सिंह बिश्नोई नजर आएंगे जो कि पूर्व में जोधपुर लोकसभा से सांसद हैं। इस रथ में आपको सूरसागर के विधायक नजर आएंगे, सरदारपुरा से आपको जो प्रत्याशी रहे थे भाजपा के महेंद्र सिंह राठौड़ वो नजर आ रहे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस रथ में हैं और उनके जो समर्थक हैं जो कि उन्हें गजुबना के नाम से जानते हैं वो तमाम समर्थक गजुबना जिंदाबाद के नारे लगाकर उन्हें ये मैसेज दे रहे हैं कि आखिरकार फिर से योगी आदित्यनाथ के रोड शो के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत जीत दर्ज करेंगे। और ये देखिए युवाओं में किस प्रकार का उत्साह है ये नजर आता है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ के दीदार के लिए न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है बल्कि तमाम जो स्थानीय जन है पूरे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का तमाम विधानसभा सीटों से ये जो लोग हैं वो आज यहाँ आए हैं योगी आदित्यनाथ के दीदार करने के लिए और जिस प्रकार का स्वागत योगी आदित्यनाथ का किया गया है उससे योगी आदित्यनाथ भी गदगद हैं क्योंकि जोधपुर से पहले जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ गए उससे अच्छा रेस्पॉन्स जो है जोधपुर लोकसभा में मिल रहा है इसीलिए अब ये जो रोड शो है ये काफी विशाल और विराट बनता हुआ यह नजर आ रहा है क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत का ये जो उत्साह है वो ये दर्शा रहा है निश्चित रूप से कि आखिरकार वो फिर एक बार इस सीट से जीत दर्ज करने जा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ को रोड शो में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी है वो न केवल योगी आदित्यनाथ को ही देखने आई है बल्कि गजेंद्र सिंह शेखावत फिर एक बार संसद में पहुंचे, जोधपुर लोकसभा के तमाम मुद्दे उठाएं, जोधपुर वासियों की बात को मुखरता से रखें और विकास की जो कड़ी है वो जोधपुर लोकसभा में निरंतर चलती रहे इसलिए उनके जो प्रयास हो सकते हैं वो उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन जीत दर्ज कर फिर एक बार गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो ये तमाम उनके समर्थक चाहते हैं और निश्चित रूप से आज का ये जो जन समर्थन है वो यही दर्शाता है कि
निश्चित रूप से आज ये जो जोधपुर की जनता है इन्होंने मन बना लिया है कि तीसरी बार फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व संसद में करेंगे, और इसीलिए ये जो जनता है वो भरपूर जन समर्थन मुझे दे रही है, क्योंकि ये जो सीट है जोधपुर उस पर काफी हॉट सीट मानी जा रही है, काफी टक्कर का मुकाबला माना जा रहा है, और निश्चित रूप से उस चैलेंज को स्वीकार करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार आगे बढ़ भी रहे हैं, और निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह कैसे इस जीत के अंतर को बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले जब चुनाव लड़ा तो 5 लाख के करीब की जीत थी, वो जीत 2.5 लाख हुई, अब चूंकि तीसरी बार चुनावी मैदान में, तो वो जीत का जो अंतर है वो कितना होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि आगे चलो, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत की सादगी और उनका जो सौम्य व्यवहार है उसके चर्चे होते हैं, लेकिन उनके आलोचक साफ तौर पर कहते हैं कि जल शक्ति मंत्री होते हुए भी पानी नहीं पहुंचा। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान सरकार पर दोष मढ़ते हैं, ऐसे में चूंकि आज गजेंद्र सिंह शेखावत को इस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है इस सीट पर, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज इस रोड शो के बाद समीकरण बदलते नजर आएंगे, और ये समीकरण न केवल जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत को जीत दर्ज करवाएंगे, बल्कि बड़ा मैंडेट जीत का कैसे हो, बड़े अंतर से चुनाव कैसे जीता जाए, ये प्रयास लगातार है, इसीलिए लगातार कन्विंसिंग भी की जा रही है, और ये जो रोड शो है ये दर्शाता है कि आखिरकार मोदी योगी के जिस प्रकार नारे लग रहे हैं तो जो जनता का समर्थन है वो निश्चित रूप से मिल रहा है, और लगातार जनता के बीच भड़क बनाते हुए कैसे जीत को हासिल किया जाए ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है, इसलिए तमाम जो स्टार प्रचारक हैं उनको चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, और आज जोधपुर में योगी आदित्यनाथ के आने से निश्चित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथ जो हैं वो मजबूत होंगे, और जो ये तमाम कार्यकर्ता और मतदाता हैं उनका जोश ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि आखिरकार गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत निश्चित रूप से मजबूती से तय होगी, और आप देखेंगे कि किस प्रकार तमाम जो रोड शो में जो जनता आई है वो तादाद बढ़ी हुई है, देखिए छतों पर आपको ये तस्वीर नजर आ रही होगी जिसमें योगी आदित्यनाथ के दीदार के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को समर्थन देने के लिए छतों पर जो तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं, और योगी मोदी के नारे लगाते हुए और गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत के लिए आश्वस्त हैं, और साफ तौर पर ये जिस प्रकार से बड़ी तादाद में आज ये जो जनता इस रोड शो में उमड़ी है निश्चित रूप से इस भीड़ को देखकर न केवल योगी आदित्यनाथ बल्कि गजेंद्र सिंह शेखावत भी गदगद हैं और उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं कि आखिर इस रोड शो के बाद जो जीत का अंतर है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी सीट पर अपनी हैट्रिक को बरकरार रखेगी, क्योंकि दो बार के चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत बड़े बढ़त से जीते हैं, और आज उनका जो कद है वो राष्ट्रीय राजनीति में काफी बड़ा है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत भारत सरकार में मोदी की कैबिनेट में जल शक्ति के मंत्री हैं, ऐसे में उनका जो खुद का कद है वो बढ़े ये उनके तमाम जो समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता है वो चाहते हैं, और निश्चित ही अगर गजेंद्र सिंह शेखावत इस बार के चुनाव में अच्छे मतों से जीतते हैं विजयी होते हैं तो उनका कद बढ़े ये पार्टी भी शायद सुनिश्चित करे, ऐसी उम्मीद तमाम कार्यकर्ताओं को है। हालांकि ये जो जीत है इसका जो अंतराल है वो कितने मतों का हो इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि दो बार की जीत के बाद सभी ये देखना चाहते हैं कि आखिर हैट्रिक जो होगी वो किस प्रकार की होगी, और इसीलिए तमाम प्रयास जो हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत खुद के स्तर पर भी कर रहे हैं कि ये जो जीत है वो बड़ी हो, और इसीलिए इस रोड शो में जिस प्रकार का जन समर्थन गजेंद्र सिंह शेखावत को हासिल हो रहा है वो दर्शाता है कि जोधपुर ने अपना मन अब कहीं ना कहीं बना लिया है कि फिर से गजेंद्र सिंह इस सीट को अपने कब्जे में लेकर दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार हैं, और ये समर्थन देखिए तमाम जो लोग हैं वो घरों की खिड़कियों से बाहर देखकर नरेंद्र मोदी
के विजयी रथ को तीसरी बार गति मिले इसके लिए प्रयासरत हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, पुष्प वर्षा करके अपना जो समर्थन है वो दिया जा रहा है। तमाम जनता अपने घरों की छतों पर खिड़कियों में मौजूद यही दर्शा रही है कि इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत फिर से करीब हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिखाता है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ